हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना ये प्यारे प्यारे फूल दिखा रही हूँ। ये मैं पहली बार लगाई है अपने गार्डन में और मैंने इसको सीड से ग्रो किया है, तो सोचा आपसे भेंट करा दूँ। तो देखिए, ये 3-4 दिन से खिले हुए हैं और ये टॉल वेराइटी का नहीं है, ये ड्रॉप वेराइटी का है। और मैंने जो अमेजोन से विंटर सीड्स लिए थे लास्ट ईयर, उसी में से मैंने इस बार उगाए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे, 4-5 पौधे इसके उग कर आए थे। पता नहीं कुछ पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही, पता नहीं अभी बारिश होगी कि नहीं होगी, इतनी बादल बने हैं। तो देखिए इतने अच्छी सी ये रंग इसकी, और ये बिल्कुल ना ये एक क्रेप पेपर आता है ना टिश्यू की तरह, क्रेप पेपर देखिए वैसा ही दिख रहा है मुझे तो। और ये कितने दिन से टिका हुआ है, ये तो 4-5 डेज हो गया शायद। और ये भी उसके इसके बाद ये खिला है, इसके बाद ये बल्ला मेरा खिला है, तो अच्छी दिख रही है। इतने सारे बर्ड्स देखिए ऊपर, शायद ये सब खिलने के बाद मैं और आपको इसको दिखाऊंगी। फिलहाल देखिए इतने अच्छे से मेरे इस साइड का ये बल्ला, तो देखिए यहाँ पर ये कल खिलेगा शायद ये बल्ला जो ओपन हो रहा है। तो इसको लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, लगाते ही इसके सीड से जो है जर्मिनेशन 2-3 दिन में ही निकल कर आता है। और इसको ना मैंने थोड़ी सी मिट्टी में लगाई है क्योंकि इसके बीच में देखिए ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर और एक पेड़ था, मैंने उसको निकाला है यहाँ से अभी। मतलब सुबह में मैं यहाँ पर मिट्टी डालना चाह रही थी, अभी नहीं डाल पाई हूँ मैं क्योंकि मिट्टी बहुत गीला गीला लग रहा था सभी तरफ मुझे, तो थोड़ा मैं सूखने के बाद यहाँ पर डालने के लिए सोच रही हूँ। ये भी मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहीं पर बीज गिरे हुए तो ये सब पौधे मेरे उग कर आते हैं। तो इसमें मैं किचन वेस्ट डालती रहती हूँ, पहले जो भी मैं पॉट्स रेडी करती हूँ, अभी फ़िलहाल कोई भी मेरा प्लांट्स लगाने के लिए नहीं है, तो मैं पॉट में जो क्या करती हूँ, नीचे मेरा किचन वेस्ट जो भी निकलता है वो सब मैं किचन वेस्ट डालती हूँ। किचन वेस्ट डालने के बाद ऊपर मिट्टी डालकर छोड़ देती हूँ 1-2 हफ्ते के लिए। उसके बाद मैं उसके ऊपर जो है मेरा प्लांट जो है वो लगा लेती हूँ, तो नीचे वो भी कंपोस्ट बनता रहता है। और उसके साथ ये वाला मेरा गोट मेन्योर भी थोड़ा बहुत डाला हुआ रहता है, तो देख सकते हैं आप ये सब मेरा गोट मेन्योर का हिस्सा है। ये सब मैं डालकर इसको लगाई हुए हैं। और वेल ड्रेन मिट्टी है मेरी क्योंकि कंपोस्ट बनता है, तो वो वाला मिट्टी जो ना बहुत बुरबुरी सा होता है। आप कंपोस्ट बाहर से मिला लेते हैं तो उसके अंदर आप रेत भी मिला सकते हैं। तो अंदाजे से ही मैंने इसमें मिलाया है क्योंकि पहले से ही मैं किचन वेस्ट डाल ली थी, तो इसका कोई मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है। तो इस तरह इस विंटर में आप इसको भी लगा सकते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट है। 3-4 ऊपर आए थे तो मैंने कुछ प्लांट को है इधर एक मैंने कर दिया है। देखिए ये भी मेरा यही वल्ला का है और ये अभी यहाँ पर छोटे छोटे जो है पत्तियाँ निकल रही हैं। ये कौन से रंग का है पता नहीं मुझे, और ये तो रंग मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सोच रही हूँ ये दो पत्ते भी मैं तोड़ दूँ क्योंकि ये फ्लावर दिख नहीं रही थी, फिर सोचा नहीं तोड़ते हैं, लगा देने रहते हैं क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे निकल कर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये। तो देखिए विंटर फ्लावर का है और इसका पत्तियाँ देखिए बड़ी बड़ी, जैसे कि भिंडी की पत्ती होती है ना उस तरह मुझे लग रहा है। और ये स्टिक भी भिंडी की तरह ही है और ये फ्लावर भी भिंडी के फ्लावर की तरह दिखता है, वो येलो कलर में आता है तो ये पिंक कलर में आया हुआ है। तो देखिए इस तरह मैंने इस बार लगाया है, इसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और इसमें कौन सा रंग का फ्लावर आता है मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर मेरे जो सकुलेंट्स हैं उसको मैंने लगाए हुए हैं। अभी थोड़ी सी ड्राई हुई है क्योंकि सुबह में थोड़ी बहुत बारिश निकल रही थी और दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली है, और उसके बाद अभी थोड़ी बादल बन रहे हैं, पता नहीं रात में आता है कि नहीं आता है, तो देखते हैं। तो आपको ये कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे बताना।